हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बच्चे कुछ फैब्रिक से डोरमेट बनाएंगे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, इसके लिए मैंने मेरे पास जो बच्चा कुछ फैब्रिक पड़ा था उसमें से मैंने 7x11 का इस तरीके से कटिंग लिया है। और जो कटिंग लिया है मैंने, इसको आपको इस तरीके से क्रॉस में कट करना है। ऐसे मैंने बहुत सारे कटिंग लिए हैं। देखिएगा, इस तरीके से आप अलग अलग फैब्रिक के कटिंग लेके इस तरीके से स्टिच करना है। देखिएगा, ऐसे मैंने बहुत सारे पैच बनाए हैं। इसको आपको अभी क्या करना है, दो पैच एक दूसरे के साथ स्टिच करके एक पट्टी बनाना है। देखिएगा, इस तरीके से चार पैच ज्वाइन करके आपको पट्टी बनाना है। ऐसे मैंने बहुत सारी पट्टियाँ बनाए हैं। देखिएगा, इस बेस फैब्रिक के लिए मैंने पैंट पीस का कटिंग लिया है। इसका साइज़ मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, वो आप देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में से जो मार्जिन रहता है वहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके स्पेस छोड़ना है। वहाँ से आपको एक पट्टी ज्वाइन करना है। देखिएगा, इस एक पट्टी ज्वाइन होने के बाद उसको पिनअप करके और एक पट्टी लेना है और उसके ऊपर रख के स्टिच करना है। ऐसे आपको सारे पट्टियाँ स्टिच करना है। देखिएगा, यहाँ पे मेरी सारी पट्टियाँ स्टिच हो गई है। अभी आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक अलग कलर का पट्टी लेना है और इसको आपको इस तरीके से चारों साइड में स्टिच करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। चारों साइड में पट्टियाँ स्टिच होने के बाद आपको बॉर्डर पे स्टिच करना है। ऐसे आपको चारों साइड में बॉर्डर पे स्टिच करना है। देखिएगा, अभी आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का अलग कलर का एक पट्टी लेना है और इसको आपको इस तरीके से बैक साइड में स्टिच करना है। बैक साइड में स्टिच होने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके फ्रंट साइड में आपको पाइपिंग करना है। ऐसे आपको चारों साइड में पाइपिंग करना है। देखिएगा, यहाँ पे हमारा डोरमेट रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग फैब्रिक के कटिंग ज्वाइन करके अलग अलग डिज़ाइन के डोरमेट बना सकते हैं। आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। इसका यूज़ आप किचन में नहीं तो हॉल में भी कर सकते हैं, बेडरूम में भी कर सकते हैं। आई होप आपका आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।